फवाद और वसीम रिजवी में खींचतान है। अल जदी को चेयरमैन बनाना चाहते हैं कल्बी जवाद। वसीम रिजवी की तरफ से सैयद फैजी मैदान में, लिस्ट जारी होने के बाद जारी होगी। इसको लेकर अधिसूचना भी सैयद फैजी और कल्बी जवाद के दामाद में मुकाबला। यहां पर दोनों खेमों के नेता सदस्यों की जोड़ तोड़ में सक्रिय। भाजपा के सक्रिय सदस्य हैं सैयद फैजी, वो मैदान में हैं। सेंट्रल वक्फ बोर्ड क्योंकि एक स्वतंत्र बॉडी है और इसमें जो चेयरमैन है वो इलेक्टेड मेंबर से होना चाहिए, ऐसा एक्ट में प्रावधान भी है जो नया अमेंडमेंट हुआ है। क्योंकि सैयद फैजी एक सक्रिय सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के, हम चेयरमैन के चुनाव में उनका समर्थन करेंगे। और सीमा हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। सीमा, यहाँ पर किस तरीके से दोनों पक्षों की तरफ से टक्कर तेज है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि सिया वक्फ बोर्ड के जो है वो सदस्य रहे हैं सैयद फैजी, वो आपकी इस बार चुनावी मैदान में हैं। वसीम रिजवी और सैयद फैजी जो है वो चुनकर सिया वक्फ बोर्ड के सदस्य बने थे। बाकी छह सदस्यों की नियुक्ति जो है वो सरकार की तरफ से की गई थी। अब सैयद फैजी और कल्बे जवाद के जो दामाद हैं अली जैदी, इन लोगों के बीच में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। दोनों तरफ से खींचतान शुरू हो गई है क्योंकि सैयद फैजी भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य भी हैं। अब ऐसी सूरत में देखने वाली बात ये होगी कि सरकार में जो है वो किसका साथ देगी, सरकार के जो मंत्री है या सरकार के हिसाब से जो झुकाव है वो किसकी तरफ से रहेगा, भारतीय जनता पार्टी के सदस्य की तरफ रहेगा या मौलाना कल्बे जवाद के सम्मान की तरफ रहेगा, ये एक बड़ा सवाल है। फिलहाल दोनों खेमों में खींचतान शुरू है और ये देखा जा रहा है कि इसमें जोड़ तोड़ की भी राजनीति हो रही है। एक तरफ वसीम रिजवी कह रहे हैं कि सदस्य हैं वही जो है वो सिया वक्फ बोर्ड का चेयरमैन बन सकता है, या ये कहा जाए कि जो चुनाव लड़कर आए हैं वो सिया वक्फ बोर्ड के सदस्य चेयरमैन बन सकता है। वही दूसरी तरफ जो दूसरा खेमा है मौलाना कल्बे जवाद वाला, वो भी बहुत बहुत शुक्रिया सीमा तमाम जानकारियों के लिए। फर्जी टीचरों की नियुक्ति और अनुमोदन पर शिक्षक बने लोगों का